आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। फिरोजाबाद में सिपाही के गोली लगने से मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब दरोगा इंद्रजीत सिंह अपनी पिस्टल को साफ कर रहा था। चैम्बर में कारतूस फटे होने के कारण गोली चल गई और सामने बैठे सिपाही शिव कुमार मिश्रा के सर में जा घुसी, जिनकी अस्पताल ले जाते दौरान मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवा दिया गया है। मामला फिरोजाबाद के शिकवाबाद थाना क्षेत्र का है। कांस्टेबल के पद पर तैनात सिपाही शिव कुमार मिश्रा व दरोगा इंद्रजीत सिंह दोनों एक ही क्यूआरटी पर तैनात थे। तभी दरोगा इंद्रजीत सिंह अपनी पिस्टल की मैगजीन निकाल कर पिस्टल साफ कर रहा था, जिसमें एक कारतूस गलती से फंसे होने के कारण पिस्टल चल गई। पिस्टल से निकली हुई गोली सामने बैठे सिपाही शिव कुमार मिश्रा के सर में जा घुसी और वे जमीन पर गिर गए, जिनकी फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर ले जाते समय मौत हो गई। शार्क मीडिया न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। टीम थी जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, दो कांस्टेबल थे, एक महिला कांस्टेबल थी और एक महिला कांस्टेबल थी। ये दरोगा जी इंद्रजीत थे और कांस्टेबल चालक शिव कुमार थे। फायर सर्विस ऑफिस के बाहर ये लोग बैठ करके खाना खाए, आपस में बातचीत कर रहे थे जो अभी पता चला है, और ये अपनी पिस्टल को साफ करने लगे वहाँ पे। तो ऐसा पता चला है कि उनकी गोली चली, उसी ने शिव कुमार को लगी है। जो हॉस्पिटल लाया गया था थाना सेंटर, डेथ हो गई है। इस विषय में जांच की जा रही है, इफेक्ट क्या है। असल डिस्चार्ज जो उनके स्टाफ के जो लोग थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने नहीं बताया है।